हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी दीपावली। आज है दीपावली और बहुत अच्छा लग रहा है। आज सारी जगह रोशनी हो रखी है। यहाँ पर आरती हमने शुरू कर दी है और सबसे पहले यहाँ पर मैं आरती कर लूंगी, क्योंकि श्याम हमेशा बोलते हैं कि पहले तुम ही कर लो, उसके बाद में फिर मैं करूंगा। तो सबसे पहले आरती यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में करेंगे श्याम। और कुछ दिए हमने जला लिए हैं पूजा के टाइम पे, और कुछ दिए हम जलाएंगे बाद में, जहाँ हम बाहर रखेंगे तो वहां पर जला लेंगे, क्योंकि एकदम गर्म हो जाते हैं दिए, फिर पकड़े नहीं जाते अच्छी तरीके से। हम मतलब जलने का भी डर होता है, तो बाहर जाकर के भी हम दिए जला लेंगे। और अभी हम आरती कर ले रहे हैं, उसके बाद में खाना तो तैयार है ही, बस पूड़ियां मुझे बनानी होंगी। और आपकी दीपावली कैसे रही? आपके यहाँ पर पूजा कैसे हुई बताइएगा। हमें जितना मालूम होता है हम उस तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं, जितना मालूम है, जितने की जानकारी है। बाकी भगवान से वही यही बोलते हैं कि भगवान, जो भी कुछ गलती हो गई है पूजा में, उसे आप हमें माफ कर दीजिएगा। और होता भी यही है, जिसको जितनी जानकारी है वो वैसे ही करेगा। तो अब यहाँ पर शाम करते हैं आरती, और वो जो मंदिर है हमारा, वहाँ पर भी आरती करके आ गए हैं। और इस टाइम पे पटाखों की भी आवाज़ आने लग गई है। पटाखे एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शगुन के लिए पटाखे चलाते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि पटाखे में कैसा शगुन होता है। शगुन तो यार मिठाई खाओ वो शगुन है, प्रसाद अच्छा से बनाओ वो एक शगुन मैंने माना। एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, एक दूसरे को बधाई दीजिए घर जाकर के, ये पटाखे का कौन सा शगुन होता है मुझे समझ में नहीं आता है। पर बहुत सारे लोग हैं जो शगुन मानते हैं पटाखे को, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पूजा के लिए थाली बना करके ले आई थी मैं, और इस तरीके से कुछ मैंने इसको सजाया हुआ था। ये माता जी की फोटो है और नीचे ये सब दिए वगैरह जलाए हुए हैं, सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। कैसा लगा आपको, आप बताना। आरती यहाँ पर हो चुकी है, ये आरती के बाद मैंने शूट किया था जब आरती हो चुकी थी। तो अब हम आ गए हैं बाहर दिया जलाने के लिए, और यहाँ पर श्याम ने सब जगह पर दिया रख दिए हैं, और अब वो एक एक करके सारी दिए जला देंगे। रंगोली बनाएं और उसके ऊपर दिया ना रखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रंगोली बनाते ही इसलिए हैं कि उसको दियों से सजाएंगे शाम के टाइम। तो बस वही कर रहे हैं, और मैं क्लिप बना रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये क्लिप अच्छी लग रही थी और मैंने कहा ये सबके साथ में शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा। हम हमेशा दिवाली इसी तरीके से मनाते हैं। तो अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर शाम की हेल्प करने के लिए। थोड़े से दिए मैं भी रखवा लेती हूँ उनसे। ऑलमोस्ट दिए पूरे जल चुके हैं, पर ये सारे एक जगह ही इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इनको दूरी बना करके रख देती हूँ। बहुत प्यारे से लग रहे थे। ऑलमोस्ट सारी जगह दिए लग गए हैं, पूरी रंगोली भी देख सकते हो आप। रंगोली पे भी दिए लगा दिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हर जगह रोशनी रोशनी बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो हर साल हम दीपावली इसी तरीके से मनाते हैं, पूजा करना, आरती करना, उसके बाद में दिए लगा देना, बस यही होता है हमारा शगुन का काम। और यही है शगुन हमारे लिए, दिया जलाना, दीपक जलाना। हम लोग पटाखे नहीं चलाते हैं, कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं कि हमने पटाखे एकदम बंद ही कर दी हैं उनके नुकसान के कारण। ऐसा नहीं है कि पटाखे किस लिए नहीं चला रहे, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि उससे नुकसान कितना होता है। आज एक एक करके सभी लोग अगर पटाखे चलाना बंद कर देंगे तो कितना अच्छा है, अच्छा भी लगेगा। मैंने अपने घर को जो डेकोरेशन की है वो इस तरीके से है, ये शुभ और लाभ लगाए हैं। ऊपर मैंने दरवाजे पे शुभ दीपावली भी लगाया हुआ है। और अब चलते हैं, खाना बनाती हूँ और खाते हैं। तो अब सारे काम फिनिश हो चुके हैं, दिए जल चुके हैं, आरती हो चुकी है। अब शाम को भी भूख लगी है, जो कि वेट कर रहे हैं कब वो खाना खाएंगे। इस टाइम पर हम देख रहे हैं बिग बॉस, और खाना बिल्कुल
रेडी है, सब्जियां तो बनी हुई थी पहले से ही, सब्जी बनी हुई थी, खीर बनी हुई थी, तो पूड़ियां मैंने तल ली हैं। और ये है छोले, खीर, पूड़ी, मिठाई, थोड़ा सा खीरा भी काट लिया था। और शाम यहाँ पर बैठ कर के खाना खा रहे हैं, उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था खाने का। खाना खा चुके हैं और आज मैंने जो सूट पहना था वो मैं बनारस से लेकर के आई थी, तो सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। कई लोग पूछ ही लेते हैं कि आपने जो ड्रेस पहना था वो आप बता दिया करो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ। और कैसा लगा आपको बताइएगा, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।